हाय फ्रेंड्स, मैं अमित भारद्वाज आज पहली बार लेके आया हूँ 1 BHK विद स्टार कंडीशन। अगर आपकी हाइट 6 फुट से ऊपर है तो भाई ये आपके लिए नहीं है, 6 फुट से नीचे वालों के लिए ये एक ऑप्शन है 1 BHK का। अगर अभी हम खड़े हैं बिल्कुल एंट्री के ऊपर, यहाँ आपकी पार्किंग वगैरह आ जाएगी फ्रंट में, ठीक है, और ये कॉमन एरिया है जहाँ से आपकी एंट्री होगी। जैसे ही आप एंट्री करते हो आमने सामने 2 फ्लैट आ जाते हैं, ये स्टेयर्स आ जाती हैं, तकरीबन 3 फीट के आसपास की स्टेयर्स हैं। और अगर मैं आपको एरिया बताऊं तो 62 गज का एरिया है इस 1 BHK का। जैसे ही हम एंटर करते हैं अपने हॉल के एरिया में, जिसको हम ड्राइंग एरिया भी बोल देते हैं, और ये कुछ ऐसा सा दिखता है। हाँ, ये आपको यहाँ पे सोफ़ा वगैरह जो दिख रहा है फर्नीचर, वो नहीं मिलेगा आपको, सेमी फर्निश्ड फ्लैट मिलेगा भाई। या आपका LED पैनल आ जाता है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ डोर की तो ठीक है, बिल्कुल खोखला तो डोर नहीं है। यहाँ पे आपका सारा MCB वगैरह सिस्टम आ जाता है। हॉल आपने देख लिया है, और इसी के साथ हमारी आ जाती है एक, भाई छोटी बोलें कि क्यूट बोलें, जो मर्जी बोल लो, कॉम्पैक्ट। हाँ, क्या वर्ड दिया है। तो भाई एक कॉम्पैक्ट सी किचन आ जाती है 1 BHK के हिसाब से। अब मैं क्या बताऊँ, ओके ही लगा लो, ओके ही है किचन 1 BHK के हिसाब से, एरिया के हिसाब से ठीक है। नीचे यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्टोरेज का भी स्पेस मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये सारा किचन स्टोरेज का है स्पेस, यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं। और ये हाइड्रोलिक्स वाले इन्होंने सिस्टम लगा रखा है यहाँ पे। साथ में आपको 3 टैप्स मिल रही हैं। यहाँ पे आपको गीजर का, RO का, सभी का, ये RO वाला पॉइंट है तो सारे पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। चिमनी के लिए यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है, होना चाहिए, चिमनी कहाँ से निकालेगा बंदा, 1 BHK वाला खाना ना बनाए। और ये आ जाता है आपका एक काफ़ी स्पेशियस बेडरूम। और भाई मैं बता दूं आपको, बहुत साइड ओपन फ्लैट्स हैं ये, ग्राउंड प्लस 2 के लेआउट में। बेड रखने के बाद ठीक ठाक जगह बच जाती है आपके लिए मूव करने के लिए, सामने काफ़ी जगह है। ये LED पैनल आ जाता है आपका, और कपबोर्ड देख लो भाई, कपबोर्ड देखने में तो बढ़िया लग रही है, मटेरियल भी ठीक लग रहा है, लेआउट काफ़ी अच्छा लगा मेरे को कपबोर्ड का। इसमें एक प्रॉब्लम है, मतलब स्लाइडिंग डोर में आपका ऑब्वियसली आपका स्पेस बच जाता है रूम का, बट यहाँ जो है ना गैप, यहाँ के लिए कुछ होना चाहिए सिस्टम कि डस्ट अंदर कम घुसे। और काफ़ी स्पेशियस कपबोर्ड है, बिल्कुल सीलिंग लेंथ तक कपबोर्ड है। ऊपर भी आपको पूरा जगह दी हुई है सामान रखने के लिए। और ये वॉलपेपर वगैरह ये आपको ऐसे ही मिलेंगे। हाँ, TV के लिए मैंने आपको आई थिंक पहले ही बता दिया था, पर फिर भी बता रहा हूँ, ये आपका LED पैनल के लिए, LED के लिए जगह है। और आप इस छोटे मोटे चीज़ें रखने के लिए ये चीज़ है, और आप इसको मतलब ठीक जगह दे रखी है, थोड़ा बहुत अगर आपको डेकोरेट करना है वो आप कर सकते हो। ये आ जाता है आपका अटैच्ड वॉशरूम, सीलिंग लेंथ तक आपको टाइल्स मिलेंगी, और सीलिंग कुछ ज़्यादा ही ऊंची है बाथरूम के हिसाब से, तो चलो ठीक है। और यहाँ पे आपको सेरा की फिटिंग्स मिलती हैं, शीशा वगैरह अपना ले लेना यार, ये नहीं देंगे। और ये भी फिटिंग्स आपको सारी सेरा की मिलती हैं। अगर हम स्पेस के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक स्पेस है। मेरा एक कंसर्न है कि जो वेट एरिया है और जो वैनिटी का इसका एरिया है, अपना कमोड का एरिया है, ये थोड़ा सा मतलब कुछ होना चाहिए जुगाड़ इसका, कि भाई ये एरिया तो गीला ना हो ना, अगर कोई नहा रहा है तो उस तो अगला बंदा तो वॉशरूम यूज़ ही नहीं कर पाएगा। ये मेरा पर्सनल कंसर्न है, तो थोड़ा सा इसके लिए मतलब बिल्डर्स को थोड़ा सोचना चाहिए। साथ में आपके यहाँ पे आ जाता है इस
रूम में ही आपके लिए एक मिरर वाला सिस्टम आ जाता है। तो भाई ये एक छोटा सा कॉम्पैक्ट 1 BHK 62 गज के साइज़ में ये आपको तकरीबन पड़ेगा, मतलब 20 लाख से नीचे पड़ जाएगा। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में या फिर आसपास की प्रॉपर्टी के बारे में, तो ऊपर हमारा नंबर दिया हुआ है 9888009910, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हो। कोई अगर भाई ढूंढ रहा है 1 BHK वगैरह जिसने लेना है, देखो 1 BHK का ना ये फ़ायदा होता है कि जितने का आप रेंट दोगे ना ऑलमोस्ट उतने की आपकी किस्त बन जाती है। मान लो 10,000 रुपये आप कहीं रेंट दे रहे हो, तो ये कहने को 1 BHK है, जब एक या दो रूम की बात आती है तो BHK कुछ नहीं होता, सिंपल ये होता है भाई दो कमरे का सेट है, तो आप उसको हॉल क्यों बना रहे हो भाई, उसको रूम बनाओ ना, बेड लगा दो वहाँ पे, जो आएगा बेड पे बैठ जाएगा। तो अगर आप एक मतलब वो ऐसा हो कि हाँ भाई हस्बैंड वाइफ है और एक बच्चा है, साथ में छोटे बच्चे हैं एक या दो, तो आप इसको आराम से प्रेफर कर सकते हो। जितने का आपका 10-12 हज़ार रुपये का रेंट जाएगा, उतने की आपकी यहाँ 10-12 हज़ार रुपये किस्त चली जाएगी और आपका खुद का घर हो जाएगा। 1 BHK का ऑलमोस्ट यही एक पर्पस होता है। बाकी अगर आपको 2 BHK या 3 BHK चाहिए हो, तो ऊपर हमारा नंबर दिया हुआ है भाई, आप फ़ोन करके आप पूछ सकते हो उन ऑप्शंस को भी, या फिर हमारी YouTube में वीडियो घूम रही है, आप उनको देख के डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए 1 BHK अच्छा है, 2 BHK अच्छा है, 3 BHK अच्छा है या पेंट हाउस अच्छा है। और भाई हम दोबारा एक्टिव हो गए हैं, पिछले महीने से हम थोड़े एक्टिव नहीं थे, थोड़े पर्सनल इश्यूज़ के कारण दोबारा एक्टिव हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। डिस्काउंट कुछ नहीं मिलेगा भाई, 20 लाख रुपए में कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। कहीं आप सोचो भाई 20 लाख में भाई कितने तोड़वा दोगे, 20 लाख में 5 लाख तोड़वा दूँ मैं भाई? 20 लाख में 20-30 हज़ार का डिस्काउंट मिलता है, इससे ज़्यादा क्या ही दूँ मैं आपको। बाकी देख लेंगे यार, ऑन द टेबल करवा देंगे कुछ ना कुछ आप लोगों का जुगाड़। आप ही के लिए काम कर रहे हैं, आप तो हमारे लिए कर नहीं रहे। इतना मैंने बोला कि भाई हमारा वो अफिलिएट चैनल ज्वाइन कर लो, भाई कोई नहीं कर रहा, किसी को पैसे नहीं कमाने घर में बैठ के। मैं दे रहा हूँ घर में बैठ के पैसे कमाने का मौका, पर नहीं कमाने। हाथ जोड़ते हैं, कृपया शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।